what is complication of allergic rhinitis. दोस्तों बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दोस्तों बहुत बार जाने अनजाने में हमें पता भी नहीं होता और एक छोटी सी चीज़ हमारे को बहुत सारा जो है वो विकराल रूप धारण कर लेती है, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। ऐसे ही एलर्जिक राइनाइटिस भी एक ऐसी ही प्रॉब्लम है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि क्या एलर्जिक राइनाइटिस होती है, क्या उसके कारण होते हैं एंड क्या वो प्रक्रिया है जिससे एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं। हम ब्रीफ में अगर बात करते हैं तो दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस जो है नोज के अंदर जो हमारा म्यूकोजा है उसका जो इन्फ्लामेशन है दैट वी कॉल द एलर्जिक राइनाइटिस। अब दोस्तों इस एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर अगर हमारा क्रोनिक, अगर हमें जिसको हम एक्यूट और क्रोनिक बोलते हैं, अगर आपको 3 हफ्ते तक लेस देन है तो उसको एक्यूट बोलते हैं और अब 3 हफ्ते से लगातार आपको आगे चल रही है तो उसको क्रोनिक एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। अब दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस का अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस के कारण हमारा जो नोज है उसके पास में हमारे जो ये चीक की बोन है, हमारे जो ये फ्रंटल बोन है, यहाँ पे जो हमारे जो मधुमक्खी के छत्ते की जैसे खाली स्पेस होते हैं जिसको हम साइनस बोलते हैं, इस साइनस के अंदर भी इन्फ्लामेशन और सूजन स्टार्ट हो जाता है एंड और इस सूजन के कारण दोस्तों वहाँ पे साइनोसाइटिस डेवलप होता है एंड ये साइनोसाइटिस डेवलप होने के कारण दोस्तों अंदर जो है हमारे साइनस के अंदर जो म्यूकोजा है वो धीरे 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 कंटिन्यू, पहले तो क्या है पानी निकालती है एंड वो जो फ्लूड निकलता है जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप भी बोलते हैं, नाक के पीछे के हिस्से में ट्रिकल करता है, उसके कारण क्या है बार बार गला खराब होता है, सोर थ्रोट होता है, टॉन्सिलाइटिस होती है, गले के अंदर कंजेशन होता है एंड लंबे समय तक और चलता रहता है तो दोस्तों नाक के अंदर रसोली और पॉलिप्स बन जाते हैं एंड वो पॉलिप्स क्या करते हैं दोस्तों नेजल ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। आपको पहले पार्टिकुलरली रात में प्रॉब्लम होती है, आपको जैसे ही कोई जुकाम लगता है उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है एंड वो जो नोज के अंदर जो पॉलिप्स बनते हैं दोस्तों उन पॉलिप्स के अंदर और लंबे समय तक हमारा ट्रीटमेंट नहीं होता तो नेजल ब्लॉकेज के साथ में बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि उसमें फंगस का लगना। वो जो फंगस है दोस्तों उसको, वो जो पॉलिप है उसको फंगस जो है वो वहाँ डेवलप होती है और पॉलिप को जो है वो फंगस के अंदर डेवलप होने के कारण जो है फंगस उस पॉलिप को खाती है और धीरे 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 उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप की फंगस इन्फेक्शन डेवलप होने से जो हमारे आईज में इन्फेक्शन हो सकता है एंड बहुत बार हमारे ब्रेन के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन होता है। जैसे आप सबने देखा होगा कि म्यूकर माइकोसिस क्या है, म्यूकर एक फंगस है एंड उस फंगस के कारण क्या होता है कि हमारे को मानिंजाइटिस और हमारे को ऑप्थेल्मलाइटिस यानी आँख के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये है जो हमारा पॉलिप और जो एलर्जिक राइनाइटिस के लिए कॉम्प्लिकेशंस, फंक्शनल कॉम्प्लिकेशंस, नेजल ब्लॉकेज स्टार्ट हुआ उसके कारण जो है हमारे और भी कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके अलावा दोस्तों क्रोनिक जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है उससे क्या होता है कि एक कॉम्प्लिकेशंस हमारा जो है वो पेशेंट जो है वो कंटिन्यू नोज को यूँ क्लीन करता रहता है बार बार, उसके कारण हमारा जो नीचे का ये 2/3 जो नोज है वो कॉस्मेटिकली बिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है एंड पेशेंट कहता है लुक दैट सर मेरा नोज बहुत अच्छा था पहले, देखो कैसा हो गया एंड हमारे जो आईज हैं उसके आसपास क्या है डार्क सर्किल्स बन जाते हैं जिसको हम मेलेज्मा बोलते हैं एंड पेशेंट का क्या होता है लाइफ स्टाइल उसका जो है, उसका जो है सेक्सुअल लाइफ उसका जो है ख़त्म होता है, पेशेंट जो है ऑफिस में काम करता है क्योंकि वो सारे दिन हमारा नोज को क्लीन करता रहता है एंड उसको प्रॉपर जो है रात को सोते टाइम उसकी स्नोरिंग स्टार्ट हो जाती है, उसका प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं होता, स्नोरिंग के कारण उसको हार्ट पे भी इफेक्ट होता है। सो दोस्तों एक प्रॉब्लम हुई थी हमारे को एलर्जिक राइनाइटिस जिसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स ने जन्म लिया, इसलिए आपको तुरंत जो है जैसे ही एलर्जिक राइनाइटिस डॉक्टर डायग्नोसिस होता है एंड तुरंत उसका जो है ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट करना चाहिए। सो दोस्तों आई थिंक रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस दिस इन्फॉर्मेशन इज रियली यूजफुल। आपको इस इन्फॉर्मेशन को अपने फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर करना चाहिए जिससे एलर्जिक राइनाइटिस के कॉम्प्लिकेशन के लिए हमारे को जागरूकता क्रिएट हो सके। थैंक यू।